प्रदेश में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सीएम ने बैठक की और अधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे प्रदेश में अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने अतरौलिया के 100 शैय्या अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डॉक्टर आशीष एवं डॉक्टर जितेंद्र अनुपस्थित मिले। दोनों डॉक्टरों के बारे में बताया गया कि वे पीजी करने गए हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई पत्राचार नहीं था और न ही सीएमएस द्वारा उनके खिलाफ कोई पत्र लिखा मिला। 100 शैय्या का चिकित्सालय जो अतरौलिया में, वहाँ पर मैं औचक निरीक्षण में गया तो वहाँ 3 फार्मासिस्ट बिना किसी सूचना के गायब थे और 2 चिकित्सक डॉक्टर आशीष और डॉक्टर जितेंद्र, जिनके विषय में बताया गया है कि वो बहुत दिनों से अनुपस्थित हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेट करने पता चला कि वो पीजी बिना सरकार की अनुमति के करने चले गए हैं। न उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, न शासन को लिखा गया। तो मैंने ये निर्देश दिया है कि एक तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाए और जो 3 फार्मासिस्ट हैं, चूँकि पहली गलती मैंने पकड़ी है, तो इनको प्रतिकूल प्रविष्टि और 1 दिन का वेतन काट दिया जाए। डीएम ने बताया कि उन्हें किसी नागरिक ने फोन कर सूचना दी कि फरेंदा में हेल्थ सेंटर बंद है और वो वहाँ इलाज के लिए आए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने व्हाट्सएप के जरिए फोटो मांगी तो सच में वहाँ ताला लगा था। इस पर जिलाधिकारी ने जांच के लिए टीम भेजी और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। सिमिलरली आज एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, शिवभूषण पांडे ने, कोई व्यक्ति थे मैं जानता नहीं उन्हें, मेरे टेलीफोन पर कि मैं जमी फरेंदा में खड़ा हूँ और यहाँ पर मेडिसल पीएससी बंद है। तो मैंने प्रभारी सीएमओ डॉक्टर राय को जिम्मेदारी दी और उस व्यक्ति से हमने कहा कि तुम व्हाट्सएप करके भेजो फोटो लेकर के। उस व्यक्ति ने फोटो लेके जब भेजा तो 1:10 के आसपास वास्तव में वहाँ ताला बंद था। हमने निर्देश दिया है कि जो जो लोग वहाँ जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि और 1 दिन का वेतन काटा जाए और इसके बाद पुनः अगर दोबारा मिलते हैं तो उनको सस्पेंड करके बर्खास्त करने की कार्रवाई की। वहीं मिर्जापुर में भी मंडल आयुक्त ने जिला अस्पताल का दौरा किया और जो कमियां उन्हें मिली उसे सुधारने के निर्देश दिए। सीएम ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विंध्याचल आयुक्त आनंद ने मुख्य विकास अधिकारी से साथ निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। शासन की प्राथमिकता है कि सारे अस्पतालों में मरीजों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, दवाएं निःशुल्क मिले, चिकित्सकीय सुविधा मिले, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। इसी के क्रम में हमने इस अस्पताल का निरीक्षण किया और तमाम जगह जो भी कमियां मिली हैं इसके बारे में अधिकारियों से बात होगी और व्यवस्था में सुधार कराया जाएगा। किस तरह की कमियाँ पाई गई? साफ सफाई की आवश्यकता है, और भी कुछ कमियाँ थी जो आप लोगों के सामने आई हैं और इन सारी कमियों को दूर कराया जाएगा। जैसे डॉक्टर लोगों का जो समय पे बैठना होता है, जो ओपीडी चलती है उसमें समय पे डॉक्टर उपस्थित रहते हैं लोगों, सारी बातें संज्ञान में आ गई हैं और इन सारी बातों को हम लोग ठीक कराएंगे। हाँ, ये समस्या है, इसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, इसकी व्यवस्था करेंगे। वहीं सीएमओ और सीएमएस छुट्टी पर होने से कर्मचारी परेशान रहे। आयुक्त ने दवाई स्टोर से लेकर वार्डो तक का निरीक्षण किया और सभी सुविधाओं को ठीक करने का निर्देश दिया। बांदा में सीएम की बैठक के बाद भी सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। यहां सरकार गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चला रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल में दूर से आने वाले मरीजों के लिए पीने का पानी नहीं है। ये नज़ारा है बांदा जनपद के शोपीस बने बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां डॉक्टर तो देखने को नहीं मिलता पर यदि मरीज प्यास से मर रहा हो तो पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। माता जी हैं तो क्या अंदर ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्या? अंदर ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन गर्मी की वजह से जो है लाइट नहीं थी, गर्मी की वजह से बाहर जो है करवा लिए। कौन करके गया है ट्रीटमेंट? डॉक्टर साहब। तो क्या मालूम जनरेटर खराब है कि क्या है, हमको तो पता नहीं, मतलब पूरी व्यवस्था आपको नहीं मिल रही। हाँ, अस्पताल में दिक्कत है कि पानी की सुविधा नहीं, लाइट नहीं, मरीज परेशान हो रहा है। गर्मी में परेशान है, बहुत परेशान है मरीज, लाइट नहीं है, कोई मरीज रो रहा है, उसका टाइम से इलाज नहीं हो रहा, सब कुछ यहाँ का बिल्कुल कमजोर चल रहा है। किले भी अस्पताल, कोई डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर, जो भी है वो भी यहाँ नहीं है मौके पर।
मरीज रो रहा मर रहा है गर्मी के मारे, पंखा भी नहीं चल रहा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो होटल से लेकर आते हैं, कहीं से भर के लाते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। गंदगी से सराबोर अस्पताल में थोड़ी देर बैठना भी दूभर हो जाता है। डॉक्टर बामुश्किल देखते हैं, पर जांच करानी हो तो लैब टेक्नीशियन गायब मिलते हैं, लिहाजा लोगों को बाहर जांच करानी पड़ती है। क्या कर रहे थे यहाँ पर? पानी पी रहे थे, पानी गर्म है। पानी गर्म है? पानी की व्यवस्था नहीं है क्या अस्पताल में? कहाँ से लेके आते हैं पानी? अरे हम तो कभी होटल से पीते, कभी इधर से, कभी पानी पहुँच लेते हैं। अच्छा, अस्पताल में कोई सुविधा पानी की नहीं है? नहीं है। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जो क्षेत्र से आती है दवा के लिए, तो ना तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना कूलर पंखे की व्यवस्था है। पानी पीने के लिए है, यहाँ जो आरओ लगा है वो गर्म पानी फेंकता है, जो कि गर्म पानी ना यहाँ के कर्मचारी पीते हैं, ना पब्लिक पी सकती, ना उसको हम पी सकते हैं। बैठने की व्यवस्था तो है ही नहीं। स्वच्छता अभियान में भी व्यवस्था यहाँ की लीचड़ है पूरी तरह से। और जो कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं जो कि सरोज नाम है, एक का, एक का उषा नाम है, एक का मनीष नाम है, तो तीनों एब्सेंट रहते, कई दिनों से एब्सेंट है, इनकी हाजिरी चढ़ी हुई है। हमने जब बात किया अधीक्षक साहब से, तो उन्होंने रजिस्टर को देख करके जो हाजिरी चढ़ी थी उसको काट करके एब्सेंटी लगाई है। उसका वीडियो भी हमारे पास है, जो कि हम उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ गरीब जनता खून के आंसू पीकर रह जाती है। ऐसे में सरकार को अपने सरकारी अस्पतालों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यहाँ इलाज कराने के लिए आने वाली गरीब जनता को राहत मिल सके। आजमगढ़ से कुमार पितेश्वर, मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य और बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।